उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के दौरे पर पहुंचे, जहां अहमदाबाद में उन्होंने रोड शो किया तो देर रात गांधीनगर में मां हीराबेन से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वह शुक्रवार को यहाँ पहुँचे और अहमदाबाद में रोड शो किया, जिस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी का अहमदाबाद में रोड शो करीब 9 किलोमीटर तक चला, जिस दौरान उन्होंने राज्य की जनता से मुलाकात की। इस दौरान आमजन का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोग पीएम मोदी पर फूल माला बरसाते हुए उनका स्वागत कर रहे थे। अहमदाबाद में आयोजित पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी थी। प्रधानमंत्री का रोड शो अहमदाबाद एयरपोर्ट से गुजरात बीजेपी हेडक्वार्टर तक था। फूलों की मालाओं से सजी खुली जीप में सवार प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो के दौरान सड़क के किनारे जमा हुए सैकड़ों समर्थकों और प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और देर रात वह गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके साथ रात का भोजन भी किया। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद पीएम के गुजरात दौरे पर पर्यवेक्षकों की नज़रें टिकी है, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र उन्होंने शुक्रवार को यहां पार्टी की राज्य इकाई के नेताओं से भी मुलाकात की और उनसे आम लोगों से करीबी संपर्क बनाए रखने को कहा। साथ ही उनसे पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को बताने और जमीनी स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बढ़ाने को भी कहा। पीएम मोदी का पूरा फोकस इस दौरान समाज के हर क्षेत्र के लोगों तक बीजेपी की पहुंच बढ़ाने पर था। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में हुई इस बैठक में 430 से अधिक नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पीएम मोदी शनिवार को यहाँ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दौरा करेंगे और इमारत को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। RRU के पहले दीक्षांत समारोह में भी उनका संबोधन होगा और प्रधानमंत्री खेल महाकुंभ का भी उद्घाटन करेंगे।